एक रिवाइवल बड़ा स्ट्रांग होली स्पिरिट का आने के लिए जा रहे हैं। आई मीन सो जितने लोग बुद्धिमान थे, जितने लोग विजडम वाले थे पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में, उन लोगों ने तैयारी की, उपवास रखे और वचन पढ़ी, अभी उन लोगों को परमेश्वर चमकाने के लिए भी जा रहा है। आई मीन वो ऐसे प्रचार करेंगे, उनके द्वारा ऐसे मिरेकल होंगे, उनके द्वारा ऐसे भविष्यवाणी होंगी, उनके द्वारा ऐसे सब कुछ ऐसा होगा, राइट टीचिंग उनके द्वारा होंगी, होली स्पिरिट उनके ऊपर से अंदर से होकर काम करने के लिए जा रहा है और मुर्दे जलाए जाएंगे, ऐसे काम परमेश्वर का आत्मा करने के लिए जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई मीन क्योंकि लिखा के अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा लोगों के ऊपर उंडेल देगा, सब एज ग्रुप के ऊपर, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, मिड एज के लोग, सभी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा को संभाल कौन पाएगा या उस रियलम में कौन चल पाएगा, जितने लोग इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं। ये साल तैयारी का साल है। आमीन। अगर आपने तैयारी नहीं की, आप तैयारी करना शुरू कर दें, आप तैयारी करना शुरू कर दें, वचन पढ़ना शुरू कर दें, न्यू टेस्टामेंट मत्ती मरकुस लुका जोहन्ना पढ़ना शुरू कर दें, यीशु मसीह को जाने, प्रभु ने कैसे काम किए ना, कैसे प्रभु ने मैसेज दे के कैसे मैं तैयार होना है, प्रभु के आने की जो निशानियां हैं उनके बारे में अब गौर से पढ़ें, अच्छे अगुओं के साथ आप बैठें, अच्छे टीचरों के साथ आप बैठें, संगति करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, आप भी उपवास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु 12 साल के थे, प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे थे, प्रभु याजकों के साथ बैठे थे, वचन का आदान प्रदान कर रहे थे, प्रभु वचन सीख रहे थे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह वचन सीख रहे हैं, तो आप और हम कौन है जो वचन ना सीखें, आप और हम कौन है जो बोलेंगे हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, हम खुद सब कुछ कर लेंगे। नो, ऐसा नहीं, हमें बैठना है अच्छे बुद्धिमान लोगों के साथ, अच्छे दर्शन वाले लोगों के साथ जिनका खुदा में अच्छा दर्शन है, और हमें बैठना है उन लोगों के साथ जिनके अंदर प्रभु का वर्ड है, जो विजनरी है, जिनको पता है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि हम मिरेकल के पीछे हो जाए, चमत्कार हमारे यहाँ के खुले ना कि कल क्या होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होने चाहिए हम वर्ड में ही बढ़ जाएं, सिर्फ वचन पढ़ें और प्रैक्टिकल स्पिरिट को हम काम करना बंद कर दें। स्पिरिट आत्मिक और हमें जो वचन, दोनों को हमें बैलेंस रखना है। आमीन। सो आप तैयारी करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि वचन पढ़ने की तरकीब आपको बता रहा हूँ। आप पहले न्यू टेस्टामेंट पढ़ें, फिर मत्ती मरकुस लुका जोहन्ना पढ़ें, सुसमाचार की किताबें, फिर आप न्यू टेस्टामेंट में जाएं, फिर आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं, नीति वचन को अलग से पढ़ें, प्रोवर्ब्स को, उससे बुद्धि समझ ज्ञान मिलता है, जो भजन सहित है उसके द्वारा शैतान का सामना कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी आपको किसी भी रीति की प्रेयर की जरूरत है, वहाँ से वर्ड लेकर उन वचनों को हथियार बनाकर शैतान को आप भूम कर सकते हैं, शैतान को आप पुश कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। सो विजडम के साथ बाइबल को पढ़ें, तैयारी करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ तैयारी करें। जितने लोगों की बुलाहट है, जितने लोग पास्टर के लिए बुलाए गए हैं, भाई बहन जितने भी हैं, वो भी अपनी तैयारी करें वचन के साथ, प्रेयर्स के साथ, उपवास फास्टिंग के साथ। जितने लोग बिजनेसमैन या अलग अलग चीज़ों के लिए प्रभु ने बुलाया, वो बिजनेस भी करें, लेकिन अभी इन दिनों में ज़्यादा टाइम अपनी क्लीसिया को भी, अपने पास्टर को भी, अपने चर्च को भी, बाइबल और प्रेयर और संगति को भी दें। आमीन। हालेलुया। इस रीति से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि प्रभु बहुत सारे नौजवानों को इन दिनों में परख रहे हैं, बहुत सारे नौजवानों की प्रभु परख कर रहे हैं, कि कुछ नौजवानों को प्रभु पंजाब में, इंडिया में, दुनिया में ऐसा खड़ा करने के लिए जा रहा है। ऐसा होगा कि या तो लोग उनसे डरेंगे, या लोग उनको बोलेंगे कि ये तो झूठा है, ये तो ऐसा है। ऐसा काम परमेश्वर का आत्मा करने के लिए जा रहा है, ऐसा होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग पावरफुल रीति से लोगों के ऊपर उतरने के लिए जा रही है।